हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 11वीं का 13वां अध्याय उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, और वही भोजन आगे चल के जंतुओं को भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में किस प्रकार से होती है, कहाँ होती है ना, इसमें कौन कौन से क्रियाएं हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण में हम दो मुख्य क्रियाएं पढ़ते हैं। एक होता है प्रकाश प्रक्रिया, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, जिसको अंधेरे की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि डार्क रिएक्शन, अंधेरे की प्रक्रिया रात में होती होगी, अंधेरे में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी दिन में ही होता है, और वो प्रकाश प्रक्रिया यानी लाइट रिएक्शन के साथ ही साथ होता है। बल्कि यहाँ तक कि अगर जो डार्क रिएक्शन है वो थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है तो लाइट रिएक्शन भी बंद हो जाती है, मतलब दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। तो इन सब प्रक्रियाओं को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी, आहार के लिए पौधों पर निर्भर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप मुर्गा मटन खा लेते हो तो आप पादप पर निर्भर नहीं करते हो, तो भी आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से जीव जंतु सभी कोई पादप से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर आप मुर्गा मटन खा रहे हो तो भी कहीं ना कहीं पादप से प्राप्त किया है, फिर वो आप तक पहुंचा है। ठीक है, तो कैसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे अपना आहार खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और उसी को फिर बाकी जंतु खाते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना पोषण खुद कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जिसमें हरे पादप तो हैं ही, कुछ जीवाणु भी आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वैसे वे जीवाणु जो रसायन संश्लेषण करते हैं वह भी स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वह एक रसायन को दूसरे रसायन में बदल करके अपने लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, किसी दूसरे जीव पर अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं करते हैं। तो रसायन संश्लेषी हैं या प्रकाश संश्लेषी हैं, सभी अपने लिए स्वपोषी ही हैं। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी कैसे हैं? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफिक हैं, और वे मुख्यतः पादपों पर ही निर्भर करते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं ये। हालांकि जितना प्रकाश पौधे पे पड़ता है उसका जो है मुश्किल से 1-5% प्रकाश को ही वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित कर लेते हैं और वही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जिसमें अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पौधे में आया और वहाँ से फिर जंतुओं में जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सूर्य प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है, तो सारी ऊर्जाओं का स्रोत हमारे लिए सूर्य ही है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। पहला वो आपके भोजन की पूर्ति करता है, दूसरा ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि हवा में जो 21% ऑक्सीजन है वो पौधों द्वारा ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? तो मर जाएंगे सभी जीव, है ना। इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विषय में पढ़ा जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को हम यहाँ पर डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम क्या जानते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज लगभग सारी चीज़ें हमको मालूम है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में जिसको हरित लवक कहते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट की कौन सी प्रक्रिया कहाँ पर चलती है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिससे पता लगा होगा क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें क्लोरोफिल है, CO2 है, H2O है,
इनकी आवश्यकता को हमने प्रूफ किया था। तो आपने शायद शबलित यानी वेरीगेटेड पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया हो और प्रकाश में रखा गया हो, जिससे स्टार्च या मंड बनाने का प्रयोग किया गया होगा। देखिए क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो शबलित लिखा है वेरीगेटेड, इसका क्या मतलब है? तो आप बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे मान लो ये पत्तियाँ हैं, तो इस पत्ती में आप सफ़ेद सफ़ेद पीले पीले धब्बे देखे होंगे। कुछ भाग सफ़ेद हैं, कुछ भाग पीले हैं, कुछ भाग हरे हैं, ऐसा आपने धब्बेदार पत्ती देखी होगी। वो पौधों की विशेषताएं ही होती हैं, आप घरों में सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं उनको, ठीक है? तो ऐसे पत्तों को, ऐसे पौधे के पत्तों को हम वेरीगेटेड या शबलित कहते हैं। तो उसमें जैसे मान लो कि ये कोई पत्ती है जिसमें सफ़ेद और हरा रंग है, तो हम क्या करते हैं, इसको धूप में रखने के बाद हम जो समझते हैं कि धूप से ये जो है प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसके बाद हम हरे भाग और सफ़ेद भाग को अलग अलग स्टार्च की उपस्थिति को हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो उस भाग में स्टार्च बनेगा, नहीं हुआ है तो नहीं होगा। और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें आयोडीन डालते हैं। तो अगर आयोडीन नीले कलर का हो जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च है, और नहीं होता है तो नहीं है। तो पत्ती के वे भाग जो हरे रंग के हैं उनमें जैसे ही हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो नीले रंग का हो जाता है, यानी स्टार्च होता है। और जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें हम आयोडीन डालते हैं तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं दिखती है और वो नीले रंग का नहीं होता। तो उसके पीछे कारण ये है कि प्रकाश के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, और पत्तियों में जहाँ पर सफ़ेद वाला भाग है वहाँ पर चूँकि क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, और इसलिए उसमें आपको जो है ये नहीं दिखा, आपको स्टार्च का बनता हुआ बनना नहीं दिखा, ठीक है? स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। ये बात पता चला कि केवल हरे भाग में जहाँ पर क्लोरोफिल होता है सिर्फ वहीं पर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा, जिसमें क्यूएस से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। केएस CO2 को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने के लिए होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आप समझ लीजिए कि हम एक पत्ती लेते हैं, ठीक है? इसको हम, इस पौधे को हम कम से कम 24 से 36 घंटे तक अंधेरे में रखे हैं अपन, ताकि पत्तियों में जितना स्टार्च बन है सब हट जाए, यूज़ हो जाए। बल्कि दो दिन रख लेते हैं 48 घंटे के लिए, ताकि सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। अब ये पत्ती में कहीं पर भी स्टार्च नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पत्ती को एक बॉटल के अंदर ऐसे डाल देते हैं, जैसे बॉटल है उसके अंदर डाल देते हैं, और इस बॉटल में थोड़ा सा KOH सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है? और बॉटल के जहाँ पर ये इसको ऐसे घुसाते हैं वहाँ पर ऐसे सील कर देते हैं ताकि अंदर CO2 ना घुस सके। और बॉटल के अंदर KOH है, KOH बॉटल के अंदर वाले भाग से CO2 को अवशोषित कर लेता है, और बाकी पत्ती का आधा भाग बाहर है, आधा भाग बॉटल के अंदर है जिसमें CO2 नहीं है। फिर इसको धूप में रख देते हैं, कुछ घंटों बाद हम इसको निकाल लेते हैं, और फिर इसमें हम परीक्षण करते हैं स्टार्च का आयोडीन डाल के। तो जो पत्ती का भाग अंदर था, बॉटल के अंदर था, जिसमें CO2 नहीं था, क्योंकि जो CO2 था उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, तो CO2 नहीं था, तो बिना CO2 का ये वाला भाग स्टार्च नहीं बना पाया है, जबकि बाहर में जो पत्ती वाला भाग है वो स्टार्च बना लिया है, ठीक है? तो उसमें स्टार्च आपको मिल जाएगा, जबकि अंदर वाले भाग में आपको स्टार्च नहीं मिल पाता है, ठीक है? इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है, कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से आपको पता लगता है कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की, और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की, ठीक है? तो बाहर वाला भाग में स्टार्च बना क्योंकि वहाँ पर CO2 प्रकाश सब कुछ था, अंदर वाला भाग स्टार्च नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर CO2 नहीं था। भले ही कांच का बॉटल था तो प्रकाश तो अंदर चला गया लेकिन CO2 नहीं था। इसे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है, है ना? क्योंकि KOH CO2 को निकाल लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वहाँ पर बिना CO2 का ये नहीं कर पाया। अब कुछ और प्रयोगों के बारे में हम बात करेंगे, प्रारंभिक प्रयोग, ठीक है? कैसे कैसे वो देखिए। जोसेफ प्रिस्टले 1733-1804 ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए,
जिसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 में, है ना, प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या कोई प्राणी हो जो वायु से सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा, मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्नलिखित परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिनसे सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। ठीक, अब इसको समझिए, ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए कि एक चूहा लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं, बेल जार से ढक देते हैं, मर जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। लेकिन इनके साथ अगर हम एक पादप रख देते हैं पुदीने वगैरह की और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब जीवित रहते हैं दोनों, मतलब ये जीवित और वो। तो ऐसा इसलिए हुआ, देखिए इन्होंने बताया कि इनके सांस लेने से, मोमबत्ती के जलने से यहाँ पर वायु दूषित हो गई है। उस दूषित वायु को इन्होंने फ्लोजिस्टॉन कहा था, ध्यान रखेंगे, फ्लोजिस्टॉन, ठीक है, फ्लोजिस्टॉन कहा था दूषित वायु को। और ये कहा कि हरा पौधा इस दूषित वायु को फिर से शुद्ध कर देती है, और जो शुद्ध वायु है उसको डीफ्लोजिस्टॉन कहा गया, डीफ्लोजिस्टॉन। तो आप फिर से समझ लीजिए कि सांस लेता है तो या मोमबत्ती जलता है तो हवा प्रदूषित होती है, प्रदूषित हवा को फ्लोजिस्टॉन कहा गया, और हरा पौधा इस दूषित वायु को शुद्ध करता है उसे हम डीफ्लोजिस्टॉन कहते हैं। ये बात प्रिस्टले ने बताई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगा सके कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? देखिए अब ये कह रहा है कि सेटअप को छेड़े बिना आपको मोमबत्ती को जलाना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसको करने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप वो जो मैग्नीफाइंग लेंस आता है उसको ले लें, क्योंकि बेल जार तो धूप में रखा है तो जैसे धूप आता है आप उस लेंस की सहायता से लाइट को फोकस करिए मोमबत्ती के ऊपर, तो मोमबत्ती फक से जल जाएगी अगर उसके अंदर ऑक्सीजन है तो। लेकिन अगर उसके अंदर हरा पौधा नहीं रखा है आपने तो कितने दिनों बाद भी आप जलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं जलेगा, और अगर हरा पौधा अंदर में है तो वो जल जाएगा। ठीक है, जॉन इंजन हाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित, देखिए ये ईयर भी आप ध्यान रखेंगे 1799 ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। देखिए प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला, इसमें इन्होंने एक चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि हरा पौधा हवा को शुद्ध तभी कर पाता है जब आप ये प्रयोग दिन में करते हैं सूर्य के प्रकाश में। चूँकि ये सूर्य के प्रकाश में ही दिन में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इस बात को नहीं ध्यान दे पाया, लेकिन जॉन इंजन हाउस ने इस बात को ध्यान दिया कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आप रात में करते हैं तो ये इसको शुद्ध नहीं कर पाता है, हवा को शुद्ध नहीं कर पाता है रात में करेंगे तो। इस बात को इन्होंने, जॉन इंजन हाउस ने पकड़ा, इससे पता लगा कि पौधे की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई हवा को शुद्ध बनाता है। कब बनाएगा? जब वो धूप में रखा जाएगा। इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जली पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखा गया पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। तो उन्होंने ये देखा कि जली पौधे को अगर आप धूप में रखते हो तो उसमें से बुलबुले निकलते दिखते हैं पानी में रखे हुए जली पौधे से, लेकिन जब अंधेरे में रख देते हो बिना सूर्य प्रकाश के तो उसमें से बुलबुले नहीं निकलते हैं। इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की गई थी, अतः उन्होंने यह देखा कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। जॉन इंजन हाउस ने यह भी देखा कि पौधे के केवल हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और कहीं पर नहीं होता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियन वॉन सॉक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है यानी शर्करा बनती है।
ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिनमें जूलियन वॉन सॉक्स का काफ़ी बड़ा नाम है। इन्होंने बताया कि पौधे में हरा भाग है उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी में शर्करा बनती है और शर्करा को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं पौधे। इस बात को भी इन्होंने बताया। अब देखिए, अब आप TW एंजलमैन के द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उन्होंने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखता लाल नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। इस तरह के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया है। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या किया इन्होंने। इन्होंने एक स्लाइड लिया, ठीक, इस स्लाइड में इन्होंने एक हरे शैवाल को ऐसे करके रखा। क्लेडोफोरा हरा शैवाल है जो एक तंतुनुमा संरचना है, जैसे इतना ऐसा छोटा सा, ना छोटा सा तंतु, बाल बराबर, एकदम छोटा सा, उसको एक स्लाइड में ऐसे रखा, ठीक है, और इसमें पानी की एक दो बूंद रख दिया, क्योंकि पानी के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता ये पौधा, है ना, ये एल्गी है हरा शैवाल। और उसी पानी में इन्होंने ऑक्सी जीवाणु, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, ऑक्सी श्वसन करने वाले, ऑक्सीजन को पसंद करने वाले जीवाणुओं का भी एक कॉलोनी उन्होंने रख दिया इसमें, इस पानी में। जैसे ये एल्गी है, शैवाल है, इसका एक तंतु, छोटा तंतु इसमें रखा, ऊपर में पानी डाला, दो चार बूंद, एक दो बूंद, और उसमें बैक्टीरिया डाला। उसके बाद क्या किया इन्होंने, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा अलग अलग प्रकाश में बांटा उन्होंने, लाल पीला बैंगनी ऐसा बैजानी ही पिनाला वेबग्योर में बांट दिया उन्होंने, और अलग अलग रंग के प्रकाश को ऐसे इन्होंने इसके ऊपर ऐसे डाला इन्होंने वेबग्योर, ठीक है, उसको डाला। तो डालने के बाद इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसके तरफ ये बैक्टीरिया आकर्षित होते हैं, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी आपने डाला है इसमें, बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिया है उसमें, ऑक्सीजन से प्रेम करने वाले बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये देखा कि इस तंतु में जहाँ पर आपने लाल और जहाँ पर आपने नीला प्रकाश डाला है वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा एकत्र हो गए हैं। उसका मतलब है वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रही है। जहाँ पर नीला और लाल प्रकाश आपने डाला वहाँ पर, जहाँ पर नीला और लाल प्रकाश आपने डाला है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा निकला, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हुई, इसलिए ऑक्सीजन से प्रेम करने वाले बैक्टीरिया वहीं पर ज़्यादा एकत्र हो गए। इससे हमको पता चला कि प्रकाश संश्लेषण किस स्पेक्ट्रम में ज़्यादा होता है। तो वैसे तो होता है दृश्य प्रकाश में, लेकिन दृश्य प्रकाश का जो लाल प्रकाश है, नीला प्रकाश है, इसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, ये बात इन्होंने बताई। क्योंकि एल्गी में जब आपने अलग अलग रंग का प्रकाश डाला ऐसा, तो बैक्टीरिया उधर आकर्षित हुए जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा ऑक्सीजन निकला, और वो नीला और लाल प्रकाश था वहाँ पर, इस बात को इन्होंने बताया। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। हम इसका वर्णन अगले खंड में करेंगे। देखिए, पौधों में वैसे तो कई प्रकार के पाए जाते हैं वर्णक, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कई प्रकार के होते हैं अलग अलग पौधों में। साथ में कैरोटीनॉइड होते हैं, जेंथोफिल, कैरोटीन और फाइकोबिलिन, एक कई वर्णक होते हैं। तो अलग अलग वर्णक जो हैं अलग अलग रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में वो मदद करते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को अनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए, ये
एम्पिरिकल फार्मूला है, CO2 H2O मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ठीक है, और O2 बन रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है आप इसमें 666 कर देंगे तो C6H12O6 हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये 6 और ये 6 लेंगे तो ये 6 कर देंगे तो C6H12O6 और 6O2 हो जाएगा, वही फार्मूले में आप पढ़ते हो। तो ये एक सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, उसको आप लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वॉन नील के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका अध्ययन बैगनी यानी कि पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसके निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, देखिए इसमें लिखा है ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करता है। अब ध्यान समझिए कि एक ऐसा यौगिक लेना पड़ेगा जिसका हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं और हम दूसरा चीज लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन डालते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं? इसी यौगिक से जिसका हम ऑक्सीकरण करेंगे उससे हाइड्रोजन लेंगे और उसको CO2 में डालेंगे, जिससे CO2 में वो हाइड्रोजन डाल करके हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करेंगे। तो एक सिंपल प्रक्रिया देखिए कि यहाँ पर जैसे आप H2O लिखते हो, क्योंकि हाइड्रोजन आप ज़्यादातर H2O से लेते हो हाइड्रोजन को, लेकिन आप H2O के जगह H2S का भी प्रयोग कर सकते हो या किसी दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी प्रयोग कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर H2A लिख दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि H2O हो, H2S भी हो सकता है ऐसा, लेकिन वो बैक्टीरिया वगैरह में जो हरे पादप है वो H2O का ही प्रयोग करते हैं। तो ये वो पदार्थ है जिसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो ये जो ऑक्सीकरणीय यौगिक लिखा है जिसका हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं वो वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, या ऐसा कोई भी केमिकल हो सकता है जिससे हम हाइड्रोजन निकालेंगे। और किसी चीज़ से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो H2O का या H2S का ऑक्सीकरण होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन जाएगा CO2 में, तो CO2 में हाइड्रोजन जाके देखिए क्या हो गया, CH2O। और ये जो ऑक्सीजन है या सल्फर है निकलेगा, तो ये देखिए ऑक्सीजन या सल्फर जो है यहाँ पर निकल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो H2O से निकलता है, न कि CO2 से। इस बात को रूबेन, हासिद और कामेन ने प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन जो हवा में निकल रहा है प्रकाश संश्लेषण से वो पानी से आता है, जल से आता है, न कि CO2 से। CO2 का तो अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो हम जल का प्रयोग करते हैं वो जल जो है H2O ये ऑक्सीकरणीय पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण करेंगे अपन, उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे और उस हाइड्रोजन को हम CO2 को देंगे। तो CO2 को देंगे तब CO2 एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर H2O का ऑक्सीकरण हुआ और CO2 का अपचयन हुआ जिससे आपको ये कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट उसी से मिला आपको। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है, यही बात मैं अभी बता रहा था कि ये जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है ये H2O से मिल रहा है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते, जब H2S बैगनी एवं हरे बैक्टीरिया द्वारा हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। अगर आप H2O का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन निकलेगा, H2S का प्रयोग करेंगे तो सल्फर निकलेगा, क्योंकि उसी से निकल रहा है वो चीज़, है ना, तो बैक्टीरिया में वही निकलता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। कैसे कैसे प्रमाणित हुई, देखिए यहाँ पर लिखा है रेडियो आइसोटोपिक तकनीक। ये तकनीक का प्रयोग किया था रूबेन, हासिद और कामेन ने, रूमेन, हासिद और कामेन ने, ठीक है, रूबेन
रूबेन, हाशिद और कामेन, ये तीन साइंटिस्ट ने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? इन्होंने H2O जो दिया इसके ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन दिया पौधे को, H2O में ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव रखा और जब ऑक्सीजन निकला तो इस ऑक्सीजन में भी वही रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था। इससे पता चला कि H2O से ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि एक बार उन्होंने इसके CO2 वाले ऑक्सीजन को भी रेडियो एक्टिव देके देखा था, लेकिन इससे जो निकलने वाला ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव नहीं मिला, मतलब ये ऑक्सीजन नहीं मिला। तो फिर कौन सा मिला? ये वाला ऑक्सीजन मिला। मतलब बारी बारी से दोनों को रेडियो एक्टिव दिया, पहले इसको रेडियो एक्टिव O18 वाला ऑक्सीजन दिया, CO2 को दिया, तो ऑक्सीजन जो निकला वो रेडियो एक्टिव नहीं था। लेकिन जब ये वाले को दिया, ये वाले को रेडियो एक्टिव दिया, तो वो ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव निकला। ये रूबेन, हाशिद और कामेन ने करके प्रूफ किया। ठीक है, यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है, जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणी प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देंगे कि पहले हमने 12 H2O का प्रयोग किया, बाद में 6 H2O आपने वापस निकाल दिया है। तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया कि इसमें जब साइकिल हम चलाते हैं तो शुरू में 12 H2O डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है, लाइट रिएक्शन में यूज़ हो जाता है, बाद में 6 H2O फाइनली वापस बन जाता है। तो शुरू में यूज़ हो जाता है, बाद में फिर बन जाता है, इसलिए शुरू में हमने 12 लिया, बाद में 6 H2O को वापस कर दिया। ठीक है, अब अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।